कमला रे दिया सचिया या
मुसलमान भाइयों, अजीज दोस्तों, कानून कुदरत के मुताबिक इंसान को अल्लाह पाक ने आजाद पैदा किया है। और फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। दुनिया में जरूर इसे कोई वक्त ऐसा मिलता है कि ये सोचे कि आसमान को बनाने वाला कौन है, जमीन को पानी पर खड़े करने वाला कौन है, सितारों के टिमटिमाने वाला कौन है, चांद से रोशनी पैदा करने वाला कौन है, सूरज से ताबानियां, शाबानियां, जवानियां देने वाला कौन है, हवाओं के चलाने वाला कौन है, हवाओं को मुसख़र करने वाला कौन है, हालात को बदलने वाला कौन है, मौसमों को बदलने वाला कौन है, जिस तरह जमीन में अल्लाह पाक ने ये ताकत और सकत रख दी है कि बीज फेंको, जो भी चीज जमीन से निकलेगी पहला उसका रंग हरा होगा, उसके बाद जब वो जवानी को पहुंचेगी उसको फूल लगेगा, फिर फल लगेगा, उसकी मिठास में फर्क होगा, उसकी खटास में फर्क होगा, उसके साइज में फर्क होगा, उसके जायके में फर्क होगा, उसकी ताकत और लज्जत में फर्क होगा। जमीन तो एक ही है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह फूल अलग अलग खुशबू वाले बनाए हैं, इस तरह फल भी अलग अलग खुशबू वाले बनाए हैं, अलग अलग रंगों वाले बनाए हैं, अलग अलग जायकों वाले बनाए हैं, अलग अलग ताकत और कुव्वत वाले बनाए हैं। यह इंसान जो है इसकी भी अल्लाह पाक ने चाहत मुख्तलफ बनाई है। एक बाप के चार बेटे हों, सबकी चाहत मुख्तलफ है, सबकी पसंद मुख्तलफ है, सबकी किस्मत मुख्तलफ है। जिस्म में एक ऐसी बोटी रख दी अगर उसके ऊपर हल्का सा चपटी और चुटकी एक नमक की रखते हैं, हाथ नहीं बताता, ताकि उससे ज्यादा गोश्त है। टांग पे रख दो तो टांग नहीं बताएगी, पांव पे रख दो तो पांव नहीं बताएगा, कोई कमर पे रख दे तो कमर नहीं बताएगी, सर पे रख दो तो सर नहीं बताएगा, लेकिन जुबान पे अगर एक चपटी रख दी तो जुबान फौरन बताएगी कि नमकीन है, मिर्चे है, खट्टा है, मीठा है, फिक्का है, बदबदा है, बद जायका है, कड़वा है। इसी तरह अल्लाह पाक ने जुबान की जो ड्यूटी लगाई है, जुबान उसे पूरा कर रही है। यह भी एक जमीन की मानिंद है, जो कान की ड्यूटी है वो कान पूरी कर रहा। अगर आंखें बंद कर ले तो कह ले भाई कान भी तो इसी जिस्म का हिस्सा है, कान से नजर नहीं आएगा। अभी नाक है, इसको अल्लाह ने सूंग
थूकने की ताकत दी है। आदमी जिस्म के किसी भी हिस्से के सामने कोई गुलाब का फूल रखे, गोड्डे पे रख दिया, कोहनी पे रख दिया, ये नहीं, आंखें देख के तो कहेंगी कि गुलाब है, खुशबू नहीं इसकी गोड़ा या कोहनी बता सकती, गर्दन बता सकती, वो नाक के जुम्मे काम है, वो नाक ही बताएगा। इसी तरह हर चीज अपनी अपनी ड्यूटियां कर रही, रिश्तों में आ जाओ, जो भाई का काम है वो भाई करे, जो बहन का काम है वो बहन करे, जो बेटी का काम है वो बेटी करे, जो बहू का काम है वो बहू करे, जो बेटे का काम है वो बेटा करे, जो मामू का काम है वो मामू करे, जो चाचा का काम है वो चाचा करे, जो अब्बा का काम है वो अब्बा करे, जो दादा का काम है वो दादा करे। जिस तरह गोड्डा जो है ये नहीं बता सकता कि इसमें खुशबू है, इस तरह बेटी का काम बहू नहीं कर सकती, बाप का काम भाई नहीं कर सकता। जिम्मेदारी ले सकता है कि मैं करूंगा। जो शफकत और मोहब्बत और चाहत और लगन जिस दर्जे के आदमी को है, वो उसी दर्जे का आदमी कर सकता है, दूसरे दर्जे का आदमी वो काम उस तरीके से कर नहीं सकता। मसलन आसान लफ्जों में अगर मैं यूं कहूं, भाई अगर भाई को सीने से लगाए और उसे तसल्ली दे और उसके सर पे हाथ रखे और उसके आंसू पूछे, अल्लाह की कसम सारे मोहल्ले के सारे शहर के लोग उसको सीने से लगाए, उसके आंसू पूछे, लेकिन उस भाई को वो सुकून नहीं मिल सकता जो सगे भाई से मिले। इस तरह ही बाप का दर्जा है, इस तरह ही दादे का दर्जा है, इस तरह ही माँ का दर्जा है, इस तरह ही बेटी का दर्जा है। बादशाह का काम फकीर नहीं कर सकते, फकीरों वाला काम बादशाह नहीं कर सकते। अल्लाह ने दर्जात बनाए हैं, वो दर्जे के अंदर रहते हुए अपने काम को संभालना है, अपनी रियाया का फिक्र करना है। हर आदमी को अल्लाह पाक ने हुकूमत दी है, किसी को बड़ा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को दरमियाना बनाया, किसी को हाकम बनाया, किसी को गुलाम बनाया, किसी को आका बनाया, किसी को लौंडा बनाया, ये सारे के सारे अल्लाह ने दर्जात रखे हैं। हर आदमी अपनी जगह पर इस काम को अंजाम दे और खुश रहे, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर शिकवा करेंगे, शिकायत करेंगे, तो फिर भी अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से जा रहे थे, तपती जून जुलाई की धूप, गर्म रेत पर एक बंदा जल्दी जल्दी पांव रखता हुआ दौड़ता आ रहा और साये की तलाश कर रहा कि दूर कोई दरख्त नजर आ रहा है, मैं दौड़ के मेरे पांव जलने से बच जाए, मैं वहां पहुंच जाऊं। आपको बड़ा रहम आया, तरस आया, आसमान की तरफ मुंह करके कहा, या अल्लाह कैसा खूबसूरत बनाया है और कितना गरीब बनाया है कि जूता भी नहीं ले सकता। अभी अपने मन में ये बात कर रहा था, थोड़ा आगे चला, देखा कि एक शख्स है, उस बेचारे के पांव ही नहीं है, वो घुटनों के बल, टखनों के बल ऐसे लुढ़ता हुआ, रगड़ता हुआ जमीन पे चलता आ रहा है। उसी वक्त आसमान की तरफ मुंह किया कि या अल्लाह उसे तो जूता ही नहीं था, इसे तो पांव ही नहीं है, मौला तेरा शुक्र है।
जिस हाल में हो कहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं इस लायक नहीं था, मैं इस काबिल नहीं था। अगर ये बंदा ये सोच ले मैं अपने इल्म के जरिए से, अपनी नमाजों के जरिए से, अपनी तस्बीह के जरिए से, अपने जिक्र के जरिए से, अपनी नेकी के जरिए से, अपनी खिदमत के जरिए से, अपनी इबादत के जरिए से, अपने रोजों के जरिए से, अपनी तहज्जुद की वजह से, अपनी शक्लो सूरत की वजह से, अपने मुसलमान होने की वजह से मैं खुदा का मुकर्रम हूं, तो ये उसे भूल है। अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह ने जो इसे हुक्म दे रखा है वो ये दे रखा है कि मेरे बंदे तूने ईमान की सलामती रखनी है, अपने अकीदे को ठीक रखना है, मेरे मोहम्मद से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आने देनी, फिर तेरी कोई भी हाजत हो, परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, अगर कोई रुक जाए सिर्फ तूने किसी गैर का दरवाजा नहीं खड़काना, दरवाजा सिर्फ मैं रब का खड़काता रहे, अगर तेरा काम न बढ़ाऊं तो मुझे मोहम्मद का रब न कहना। दरवाजा खड़काता है ना, ये थक जाता है बहुत जल्दी। घर के दरवाजे को देख लो, क्या खड़काता ना, एक दफा खड़काए आने वाले देर कर दे कोई काम हो, फिर दोबारा खड़काए, तीसरी मरतबा इसका दरवाजा खड़काने का अंदाज भी ऐसा होता है या तो दरवाजा तोड़ देगा या दरवाजे को मार देगा। ये तो इसे नजर आ रहे, पता है कि अंदर कौन है, खुदा तो नजर ही नहीं आता। जब ये सजदा करता है ना कहता ले मैंने लंबी थोड़ी दुआ की, आंसू बहाए, रोया, नियत बांधी, नफल पड़े, मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं करता, भुलाने की कबूल करता है। अल्लाह कहता है मैं तो काफिर की और जानवरों की नहीं मोड़ता, मैं तो उन पे भी रहम खा के उनका भी कभी रिस्क बंद नहीं करता, जो मैं खुदा को गालियां देते मुझे मानते भी नहीं है, मुझे जानते भी नहीं है, मेरे मोहम्मद का कलमा भी उन्होंने नहीं पढ़ा, मैं खुदा ने कभी उनका भी रिस्क बंद नहीं किया, और मेरा बंदा तू तो आता है जाता है, आ मेरे दरवाजे पे पांच मरतब आता है, मैं देखता हूँ। माँ जो है ना बच्चे से मोहब्बत बहुत करती है, लेकिन बच्चा अगर लिथड़ा पथड़ा हो जाए, लिबड़ शिबड़ जाए, गंदा हो जाए, तो माँ उसको ये नहीं कि उसको थपेड़े मार के बाहर फेंक देती है, बल्कि उसको नहला धुला के सही कपड़े पहना के और रोते को चुप करा के सीने से लगा के मीठा दूध पिलाती है। और मेरा बंदा ठहर तो सही, अगर मैं रब ने तुझे रुलाया है, मैं खुदा हूं, घबराना नहीं, चुप करा के तुझे दिलासे दे के पहले से ज्यादा मीठा दूध न पिलाऊं तो मुझे मोहम्मद का रब पहले से ज्यादा दूंगा। शर्त यह है तू आ तो सही, मेरा दरवाजा छोड़ नहीं। अम्मन युजीबुल मुस्तर इदा दाउ व यक्शिफुस सू, अल्लाह
कहता है मुझे पुकार तो सही, बुला के तो देख, पर एक शर्त लगाई अल्लाह पाक ने, वल यूमिनू भी, ईमान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना, भावे जखड़ा में हवाओं के, रोजी तेरी बंद होती भी नजर आए, दुकान से ग्राहक गिरता और बिगड़ता और जाता भी नजर आए, लेकिन मैं रब के दरवाजे से आसरे छोड़ने कोई नहीं है। मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह परेशानी बढ़ गई है, परेशानी इतनी बढ़ गई है कि रोजी तंग हो गई है, एक शादी कर चुका हूँ, पहले कमारा था तो रोजी कम थी, अभी शादी कर ली तो रोजी और तंग हो गई है। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर के दरवाजे पर कोई पर्दा वर्दा लटकाया है कि कोई ना? कहा, एक पर्दा था वो फट गया था, उतार दिया है। मेरे नबी ने फरमाया, दरवाजे पर पर्दा लटका दो, बाहर वालों की अंदर नजर ना जाए, अंदर वालों की बाहर नजर ना जाए। या रसूल अल्लाह, इससे क्या फायदा होगा? फरमाया, बेनमाजी अगर तेरे दरवाजे के सामने से गुजरेगा, उसकी नहुसत का यह असर पड़ेगा, तेरा रिस्क कम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अब ये तो गैर है जो बाहर से जा रहा है, उसकी जाने का ये असर है। अगर गर्मी बेनमाजी हो तो बना बताओ फिर क्या बनेगा भाई? अल्लाह, घर में बेनमाजी हो तो फिर क्या बनेगा? फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास करी इधर देख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम पे देखा है, इधर टाइम देखता है ना तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हम तो आपको ये कहते हैं जब आओ तो कश्तियां जला के आया करो, पता नहीं आज मौलवी ने तुम्हें कितने बजे पढ़ा है। बैठे बैठे दुआ करते रहा करो, अल्लाह करे 3 बजे से पहले जान छूट जाए। दूसरी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अब्दिक व रसूलिक व नबीक। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर तशरीफ लाए, सुनना देख कैसी, दो जहान का बादशाह, सारे नबियों का इमाम, रहमत लिल आलमीन, शफी अल मुजरमीन, खातम अल नबीयीन, सैयद अल अव्वलीन वल आखरीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी हस्ती, और घर तशरीफ लाए, क्या फरमाया? आयशा कुछ खाने को भी है कि कोई ना? आयशा करने लगी, सोने नबी घर में कुछ देते हो भेज देते हो, मैं संभाल के रख देती हूँ, आपका इंतजार करती हूँ, अगर आप तशरीफ ले आते हैं तो आपको पेश कर देती हूँ, घर में तो कुछ भी कोई नहीं है। मेरे नबी फिर तशरीफ ले गए, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले आए, मस्जिद में आके नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, उम्मत के लिए सबक कहना, हाँ हाँ, फिर दुआ मांग कर घर तशरीफ ले गए, घर जाके पूछा, आयशा कुछ खाने पीने की कोई चीज है कि कोई ना? मेरे पैगंबर की अहलिया बीवी जौजा मोहतरमा फरमाने लगी, अल्लाह के नबी अभी तक कोई भी चीज कोई नहीं आई। इतने में मेरे नबी की नजर सहाबे सुफा पर पड़ गई, मदीना जाने वालों देखा होगा, रोजे रसूल के सामने एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे पर 70 या 72 या 60 आदमी मिस्कीन गरीब मुसाफिर बैठा करते थे। मेरे नबी ने देखा कि मुसाफिर भी मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं खाया तो इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह घर तशरीफ ले गए, फरमाया, आयशा कुछ खाने की कोई चीज भी है कि कोई ना? अल्लाह के नबी कुछ भी कोई नहीं है। फिर मेरे नबी तशरीफ ले आए मस्जिद में, आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से रो रो के मांगा, फिर घर तशरीफ ले गए, और सहाबे सुफा को यूं देखते हुए गए, जिन लोगों ने मदीना देखा है उनको याद आया होगा सहाबे सुफा वाला चबूतरा रोजे के बिल्कुल करीब ही है। मेरे नबियों को देखते जा रहे हैं, घर तशरीफ ले गए, घर को गए तो कहा,
आयशा कुछ खाने पीने की चीज भी है कि कोई ना। आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कुछ भी कोई नहीं है, तीन दिन हो गए खाने को कुछ भी कोई नहीं है। कोई मुसाफिरों के लिए दे गया तो सहाबे सुफा को दे दिया, कोई जकात के पैसे दे गया तो सहाबे सुफा को दे दिया, कोई और गरीब मिस्कीनों को दे गया तो सहाबे सुफा को दे दिया। इस तरह करते करते एक दिन मेरे पैगंबर के दिल में बात आई, लेकिन कहा तो उसको है और किसी को तो शिकायत कोई नहीं की। यार मैं मोहम्मद भी भूखा हूँ, मेरे घर वाले भी भूखे हैं, कोई इंतजाम कर दो नाना नाना। फिर 13 दिन गुजरने के बाद मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में ख्याल आया, चलो अबू बकर के दरवाजे पे जाया जाए, उसको हाल हवाल पूछा जाए। आ रहे थे तशरीफ ला रहे थे कि चौक में अबू बकर से मुलाकात हो गई। मेरे पैगंबर ने सवाल किया, अल्लाह के नबी आप इधर किधर? फरमाया मैं तेरी तरफ ही आ रहा था। अबू बकर तू मेरी तरफ क्यों आ रहा था? अल्लाह के रसूल मैंने सोचा चंद दिन हो गए हैं, आपके दरवाजे पे जाया जाए, कोई खाने पीने की बरकतों की कोई चीज ही मिल जाएगी। मेरे पैगंबर फरमाने लगे, अबू बकर ठहर जा, तेरा भी ये मसला मेरा भी ये मसला। अभी बात ही कर रहे थे इतने में देखा तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला वो आ गए। अल्लाह के नबी ने उसको सवाल किया, अखराजा या उमर, ओए उमर किधर को निकला है तू? अल्लाह के रसूल कुछ दिन हो गए थे, खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं मिली। मैंने कहा आपके पास जाके कोई खा पी आऊं। मेरे पैगंबर फरमाने लगे, देख तो सही 13 दिन हो गए, मैं मुहम्मद के घर में आग भी कोई नहीं जली, मैं मुहम्मद ने भी कुछ भी कोई नहीं खाया, लेकिन एक मेरा साथी है, सहाबी है, साद उसका नाम है, वो ये अक्सर मुझे कहता रहता है कि आ जाओ कभी मेरे घर आओ, मैं आपको खजूरें भी खिलाऊं, कभी मेरे बाग में आओ मैं आपको तेल भी लगाऊं, कभी मेरे घर तशरीफ लाओ मैं आपको मुट्ठी चाबी भी करूं, कभी मेरे घर तशरीफ लाओ आपको बकरी काट कर भी गोश्त भी खिलाऊं। लेकिन मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में बात आई, मदीने के बाहर ही बाग है ना, चलो चलते हैं। अबू बकर कहते हैं अल्लाह के रसूल में इतनी चलने की हिम्मत भी कोई नहीं है, पर शिकायत कोई नहीं की मोहम्मद रसूलुल्लाह से अल्लाह की। उमर कहते हैं मुझमें इतनी हिम्मत भी कोई नहीं है। फिर मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यूं हाथ अबू बकर के कंधे पे रख लिया, दूसरा हाथ उमर के कंधे पे रख लिया। आहा बगल में अबू बकर है, खब्बे पासे मेरे उमर है, क़यामत वाले दिन जब उठाए जाएंगे तो इसी तरह हम उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। शिकायत नहीं की, चलने लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को यूं सज्जी तरफ से टक्कर मरवाई, सीने को करके टक्कर मरवाई, दूसरी तरफ से उमर को यूं टक्कर मरवाई सीने से, तीन टक्करे मरवा के कहने लगे चलो। अबू बकर और उमर के मुंह से आवाज निकली, अल्लाह के नबी मोहम्मद अभी चलो या ना चलो, जो आपके जिस्म के साथ हमारा मुंह लग गया है इस खुशबू से भूखी खत्म हो गई। रहे दो जग दे विच कायम रिसालत कमली वाले दी, रहे दो जग दे विच कायम रिसालत कमली वाले दी, खुदा दी ही अतात है अतात कमली वाले दी।
चलो ये तो सुनने पर बंद कर देना आप, ठीक है मेहरबानी। फोन के चस्के में मेरी बात को ऐसे शेर को ऐसे जाया कर, दोबारा सुनो ठीक है। आफत की वजह से दोबारा सुना रहा हूँ, कराची से आया है। रहे दो जग दे विच कायम रिसालत कमली वाले दी, रहे दो जग दे विच कायम रिसालत कमली वाले दी, खुदा दी अतात है अतात कमली वाले दी, कटन राता लेते खलोते पैर सुज जाने, कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जाने, इबादत नूवी शर्म आ गई इबादत कमली वाले दी। मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ां करके विखलाइया ने, करके विखलाइया ने। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, नमाज 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 नमाज, लोगो नमाज नमाज दिया सदावा। मेरे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए, रात भी केड़ी लैलतुल मुबारका जिसनू शबे बरात आखते हो, जिस दे उत्ते पटाखे वजांदे हो, हलवे दोपहर को खाना खा के कैलूला करो, सुन्नत तरीका है, हुक्म है। दोपहर को खाना खा के करो भाई कैलूला करो, आराम करो, नींद ना भी आवे ना आधा घंटा 40 मिनट लेटे रहो सुकून। रात को इशा तो बाद फौरन सो जाओ, क्यों कि सुबह तहज्जुद से जाग आ जाए। शैतान ने चक्कर दिता कि नहीं जी, शैतान कदे भी नहीं कहता कि ना कर, कहता फेर कर, ये नहीं कहता कि ना कर, कदे भी नहीं कहता नमाज ना पढ़, कहता फेर पढ़ ले। अक्सर जड़ी मुसीबत आई है ना वो ये आई है कि भाई जिसनों भी आपको किसी जवान नू वो कहेगा जी मेरे कपड़े भी। अच्छा भाई फिर आखो भाई नमाज कपड़े सही, फिर नमाज कहीं जुमे तो शुरू करा दे, कोई ज्यादा ही कोई मोहब्बत च आ गया, ज्यादा ही कोई रगड़े च आ गया, ओनू आखो अच्छा जी फजर तो शुरू करांगी। सोचता यह है कि शायद इस्लाम लिखवा रखे इजराइल अलैहिस्सलाम का ठप्पा लगा हुआ है, इसको पता है कि फजर आनी है कि नहीं आनी। अजकल तो है भी ठाप ठाप देर ही नहीं, गल ही रह जाते हो यार इतने खड़ा सी इतने खड़ा सी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उते रात आई शबरात वाली, जिसनु तुसीं शबरात वाली रात आखदे सन, ना शबे बरात असल इसका नाम है शबे बरात, मिला के कह देते हैं क्योंकि शीन और बे फिर आगे बे इसलिए कहते हैं शब रात। असल माना है कि तोबा वाली रात, असल इसका माना है तोबा वाली रात, और हमने इसको हलवे वाली रात या पटाखों वाली रात बना दिया, शैतान ने इधर चक्कर दे दिया। ये तोबा वाली रात क्यों है? इस वजह से है कि Mm-hmm.
लेट गए। थोड़ी देर के बाद मेरे पैगंबर ने देखा कि आयशा सो गई है। मेरे पैगंबर ने आस्ते आस्ते लिहाफ उतारिया, कपड़ा उतारिया, जुत्ती मेरे सोने नबी ने पा ली। आयशा कहती है मैं वेख रही सबी सल्ला वसलम उठे ने जुत्ती पा के मदीने तो बाद वेख्या होगा कब्रस्तान है रोजे रसूल के नाल ही मस्जिद नबवी कब्रस्तान है। मेरे नबी कब्रस्तान के अंदर तशरीफ लै गए। लोगो कब्रस्तान जाया करो, अपने बड़िया याद कराया करो, अपने छोटिया याद कराया करो, कब्रस्तान के अंदर जाके पढ़ के उन्होंने बख्शिया करो। अल्लाह पाक हो सकता है तेरे पढ़न के नाल उन्होंने बख्शिश कर दे, किसी की कबर न कुशादा कर दे, किसी की अजाब को खत्म कर दे। जिमें कुरान दुनिया के उत्ते फायदा है, जमीन तो उत्ते फायदा है, इसे तरह जमीन के अंदर भी फायदा है। मेरे नबी ने की फरमाया कि ती आयतां वाली एक सूरत ऐसी है जिसनों सूरह मुल्क आखते ने, जिसकी पहली आयत यह है तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह पाक फरमांदे ने सारे मुल्कां दी बादशाही रब दे हाथ विच है, चाहे जमीन तो थले उसकी बादशाही, जमीन तो उत्ते उसकी बादशाही, आसमाना ते लटकण वाली चीजां दी उसकी बादशाही, आसमाना तो उत्ते रहण वाली चीजां दी उसकी बादशाही। फरमाया मेरे सोहणे नबी ने कोई बंदा रात सोने तो पहले मेरे गल नूं तवीर बना के दिमाग दे अंदर बंद कर लियो, लटकायो ना, भुल ना जायो, मेरी गल नूं दिमाग दे अंदर समो लियो, परो लियो, पैबंद कर लो, पैबस्त कर लो, कैच कर लो, मजबूत कर लो, हिफ़्ज़ कर लो, याद कर लो। मेरे सोहणे नबी ने फरमाया लोगो डॉक्टर दी गल्लां ते यकीन कर लेंदे हो, वडेरियां ते हकीमां दी गल्लां ते यकीन कर लेंदे हो, लीडरां ते कायदां दी गल्लां ते यकीन कर लेंदे हो। मेरे सोहणे नबी सच्चे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा उम्मती अगर सोने तो पहले सूरह मुल्क पढ़ लेगा, 29वां सिपारा पहली सूरत 30 आयतां दी, जड़ा इसनू पढ़ लेगा इसनू दफन करन तो पहला ही, जिस वेले इसनू अज़ीज़ो अकार रिश्तेदार वारस हज़रात इसनू दफन करके हले वापस भी नहीं आणगे। मेरे सोने नबी ने फरमाया सूरह मुल्क दियां रोशनियां पहले ही कबर के अंदर पहुंच जान, सुभान अल्लाह, पूरे मुल्क की रोशनी उत्थे हो जाएगी। यकीन बनाओ, यकीन अंदर दा गल समझ नहीं आ रही, समझते नहीं आ रही, समझदा की है। पर उस बादशाह ने गल दसी है जिसकी गल कभी झूठी नहीं, गुमान कर लो ना गुमान यार है पता नहीं, नहीं किवें रिवायत है किवें है, बंदा काफर हम याशर जिल्लाहु ताला ना फरमांदियां ने मैं भी उठी ते मैं भी दबे पैरां दे नाल जन्नतुल बकी जा पहुंची। मेरे नबी ऐवे आसमान वाल हाथ कीते हुए इको ही गल करी जा रहे ने, रब्बा मेरी उम्मत नूं बख्श दे, रब्बा अल्लाह मेरी उम्मत नूं बख्श दे, अल्लाह रब्बा मेरी उम्मत नूं बख्श दे, रब्बा मेरी उम्मत नूं बख्श दे, रब्बा मेरी उम्मत नूं बख्श दे। लंबी दुआ कीती, सुबह होने तो पहले ही मेरे नबी वापस तशरीफ लिया लगे। आयशा समझ गई कि मैं वापस चली जावा, ऐवे ना होवे कि मुहम्मद रसूलुल्लाह पहले पहुंच जान फिर देख मैं दबे पैरां दे नाल जल्दी जल्दी कदम उठा करके वापस आ गई। मैं आके लेट गई बिस्तरे दे उते, लेकिन दौड़ने दे नाल चलदे दे नाल सा सा दे नाल मिलदा कोई नहीं सी, कपड़े इस तरह उत्ते हेठ होवन लग पे। मेरे सोहणे नबी ने फरमाया शाह की मामला है की माजरा है,
गल ते दस क्यों परेशान है। मेरे पैगंबर नूं अर्ज करन लगी, अल्लाह दे नबी गल ते कोई नहीं है। मेरे सोने नबी ने एक दफा पुछया, दो दफा पुछया, समझी मेरी गल नूं। मेरे पैगंबर ने तीसरी दफा की फरमाया, ऐशा अगर तू दसेंगी ते ठीक है, नहीं दसेंगी ते नब्बानी अलीमुल खबीर। मकसद यह है दोस्तों, जो रात ने शबे बरात हो, शबे कदर हो, शबे बहराज हो, सिर्फ बहाने ने। इन्हों जिंदा करने का तरीका है कि नफल पढ़ो, घर के अंदर पढ़ लो, गुरु थोड़ी मस्जिद के अंदर आकर पढ़ना, घर पढ़ लो, कुरान पाक पढ़ लो, तस्बीह पढ़ लो, दुआवां मंग लो। खास रातां ने, वैसे तो देखो अल्लाह पाक हर रात सुनता है, हर जगह पे सुनता है, हर किसी की सुनता है। कुछ मकाम, कुछ आयाम ऐसे ने जिन्होंने उत्ते मोहर लगी। मसलन देखो तुहाडे अंदर भी दिन आते हैं ना, जब तुम खुद सोचते हो कि यार जिस दिन शादी का दिन है, शादी के दिन लग रही खुशी किसी दिन भी नहीं आवे। बेटे की शादी हो तो उस दिन भी खुशी है। अगर कोई परेशानी आ जाए तो परेशानी वगैरह दिन होर कोई भी दिन नहीं। इस तरह तिलकल अय्याम उदावे लोहा बैन नास, ये दिन जड़े ने ना लोगों दरमियान फिरते ने, कदे खुशी आ गई, कदे गमी आ गई, कदे सर्दी आ गई, कदे गर्मी आ गई, कदे लड़ाई हो गई, कदे सज्जन बन गए, कदे दुश्मन बन गए। इस तरह दिन फिरते रहने, ते रोजाना या हर वक्त एक वगैरह दिन लोगों के उत्ते नहीं रह सकते। अल्लाह पाक चांद जरूर देता है, फिर बंदे की अपनी मर्जी है, कमबख्ती है, बदबख्ती है। कोई बंदा भी इस तरह नहीं कह सकता कि यार मैनू अल्लाह पाक ने ताकत ही नहीं दी। अल्लाह पाक ने चांद जरूर दिता है, हर बंदे को दिता है। जिंदगी बदलन का, जिंदगी किवें बदलेगी, मेहनत करना शर्त है। शर्त के नाल रब का दरवाजा, इस ते सवाल करना नहीं छड़ना। इरशाद फरमाया, वैला साला का इबादी अन्नी फैनी करीब उजीबु दावत दानी फलयस्तजीबुनी। सोने नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह कौमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मिलकर देखो बहाना है, बहाना बनेगा उसके नाल बख्शिश होएगी। इबादत ते नाज करके बख्शिश नहीं हो सकती, नमाजा पढ़ के नाज करके बख्शिश नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ एक बहाना है, बहाना बनाओ पता नहीं आ नेकी कबूल हो जावे, इस नेकी ते खुदा नूं तरस आ जावे, बाकी रहमत वरसेगी खुदा दी ते शफाअत होएगी मोहम्मद मुस्तफा दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल महफल लगी हुई ते बंदा आ गया एक, हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं मारा गया, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अल्लाह दे नबी मैं बर्बाद हो गया। मेरे नबी ने वेख्या ते फरमाया, की हो गया, क्यों पे हाल हाल धरती, क्यों पे शोर शोर करना ही। अल्लाह दे नबी मैं मारा गया, मैं हलाक हो गया, क्यों? फरमाया, रमजान दा महीना, मैं ते मेरी बीवी नवी नवी शादी हुई, घर दे अंदर अकेले सी,
रह नहीं सके, दोवें कठे हो गए ते रोजा पूरा हो गया। मेरे सोने नबी ने फरमाया हम अल्लाह में जिद फसियामु शहरैनी मुतताबियैन, पता कोई नहीं जेड़ा जान बुझ के रोजा तोड़े ते दो महीने दे लगातार रोजे रखे। इनिया पा क्या खड़गा अल्लाह दे नबी, मैनू मसले दा भी पता सी पर जे दो महीने दे लगातार रोजे रखने होंदे ते फिर एक ही क्यों तोड़दा, फिर एक ही क्यों तोड़दा मैं दो महीने दे रखने। अल्लाह दे पैगंबर फरमान लगे फिर एक गुलाम आजाद कर 12,000 रुपया। अल्लाह दे नबी मैं मिस्कीन गरीब, सुबह जावा मजदूरियां ते दिन मजदूरियां मिलदियां कोई नहीं, जे मिल जान ते एक सेर जौआं दा एक सेर खजूरां तो ज्यादा मजदूरी नहीं बनती। 12,000 रुपया कितों लै करके आ? मेरे पैगंबर ने फरमाया फिर इस तरह कर सितीना मिस्कीना अल्लाह दे नबी मैं ते आप नहीं खा सकता, ये रोटी बच जावे ते पानी च डबो के सुबह दे वास्ते बंदोबस्त कर लेना, 60 मिस्कीना नू कौन खवावे खाना। मेरे पैगंबर ने नीवियां पाईया ते फरमाया मैं अल्लाह दी शरीयत नू छोड़ नहीं सकता ते तेरे नाल जोड़ नहीं सकता, चलो चुप होर के चुप करके बैठ जा। मेरे नबी परेशान हो गए कि मौला की करा, मेरा कलमा भी पढ़ता है मैं किधर जावा, मैं शरीयत नू ते छोड़ नहीं सकता पर इस गरीब दे नाल जोड़ भी नहीं सकता, मैं की करा अपने कोलों ते मैं शरीयत बना कोई नहीं सकता, जे रब्बा तू कानून नाजल कर दवे ते फिर उस नू कोई होर मोड़ नहीं सकता। मेरे पैगंबर नू नीवियां पा के बैठे, थोड़ी देर दे बाद उठ के इस तरह वेख लंदे बैठा भी है कि कोई ना चला गया है, ये बैठा भी है ते नीवियां पाई बैठा है, फिर थोड़ी देर दे बाद फिर जरा सोना नबी इस तरह करके वेख लैंदा है, फिक्र उस नू घट है ते मेरे नबी नू ज्यादा है कि मेरा उम्मती जो होया मेरा कलमा जो पढ़दा है मेरे पैगंबर। थोड़ी देर दे बाद एक बंदा टोकरा खजूरां दा लै करके आया, मेरे नबी ने वेख्या ते फरमाया इधर जाओ रस्ता दे दियो रस्ता दे दियो रस्ता दे दियो। अगे करीब आया मेरे सोने आखन लगा मेरे बाबे ने खजूरां भेजियां ने नवियां नवियां खजूरां उतरियां, असीं ते चलो फिर भी खा लवांगे। पहले मेरा बाबा आखन लगा मुहम्मद दी खिदमत दे अंदर जा करके दे करके आ, एक ते मैं ले आया एक मेरा नौकर ले आंदा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया इत्थे रख दे ते तेरे बाबे नूं मेरा मुहम्मद दा सलाम आख दवीं ते बरकतां दी दुआवां भी दे दवीं। मेरे पैगंबर ने दोवें टोकरे इत्थे नज़दीक रखवा ले ते मेरे पैगंबर ने फरमाया आए करोड़ 50 लाख की गड्डी है, लेकिन
हवा 10 रुपए की, 5 रुपए की, 1 रुपए की, कदे कदे मुफ्त में पा देंगे ने, पर हवा ना हो ना ते गड्डी नहीं चलती। ये सारे बहाने ने, लखा रुपया जेब च पे है, हजारा रुपया जेब च पे है, 10 रुपए दे के अगर मां खुश हो जाए, 100 रुपए अंगूर ले गया मां खुआ गया, मां तू मेरी मां है। मेरे सोने नबी ने फरमाया जे मां राजी हो गई तो रब राजी हो। सुभान अल्लाह। मां सारे दुनिया में सूट लैके देने, आज तेन लैके दे रहा, मेरे वास्ते दुआ कर दे, भी बड़ा परेशान है, रोजी नहीं चलती। खुदा की कसम जे मां ने इस तरह करके हाथ चुके ना, खुदा कदे भी खाली वापस नहीं। पर ये मकसद नहीं कि मां राजी हो तो फिर नमाज भी ना पढ़ो। मौली ने आखिया मां राजी हो जाए तो नमाज की खैर सलाह नहीं, नहीं नमाज नमाज पढ़नी है बाबा, नमाज की माफी नहीं,